नमस्कार। आज मैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत RTI लगाई जाती है। आज मैं एक विशेष बात यह बताने जा रहा हूँ कि ACGM, CGM, कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी RTI लगाई जा सकती है। यह मैंने भी जिला कोर्ट में RTI लगाया और वहाँ से भी जवाब प्राप्त हुआ है। बहुत से ऐसे हमारे साथी कहते हैं कि कोर्ट में RTI नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोर्ट में भी RTI लगाकर आप अपने संबंधित वाद से केस की जानकारी ले सकते हैं या जो भी आवश्यक कागजात आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। RTI के तहत ACGM, CGM, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी RTI लगाई जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप सभी को यदि कोई अपने केस से संबंधित कोई जानकारी या कोई कागजात लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप लोग निसंदेह अपने केस से संबंधित वाद संख्या से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ RTI का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे हम सभी भी कुछ जागरूक रहें हो सकें और पदाधिकारीगण भी कुछ हम लोगों को सही सूचना दे। अगर पदाधिकारी द्वारा गलत सूचना दी जाती है या भ्रमित सूचना दी जाती है या दुर्व्यवहार किया जाता है या कोई अन्य तरह की परेशानी PIO लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, तो निस्संदेह आप उनकी शिकायत धारा 18 के तहत सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग से भी कर सकते हैं। अगर केंद्र से संबंधित है तो वह केंद्र सूचना आयोग से डायरेक्ट आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसलिए हम सभी को RTI सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जो है सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हो सकता। और यदि हम लोग अधिक से अधिक जागरूक हो जाएं, अधिक से अधिक इसका उपयोग करें, तो शायद कार्यालयों में भी हो रहे भ्रष्टाचार में सुधार अवश्य मिल सकता है। मैंने भी कई जगह भ्रष्टाचार होते हुए देखा है, जिस कारण मैं इस चैनल अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत किया और हमारे साथ भी कभी कभी बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिसके खिलाफ मैं भी लड़ रहा हूँ। और आशा है आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में लगाना चाहें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत RTI प्रपत्र को लगा सकते हैं। विशेष बात यह है कि हम सभी भारतीय किसी भी राज्य या किसी भी जिला से संबंधित सूचना मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जिस जिला में रहते हैं उस जिला तक ही हम सूचना मांग सकते हैं। भारत में किसी भी राज्य की सूचना, अपने राज्य के किसी भी जिले की सूचना, किसी भी कार्यालय की सूचना मांग सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
इसलिए इसका उपयोग करें। अगले वीडियो में मैं कोर्ट में RTI लगाने का एक फार्मूला आप लोगों को भी बताऊंगा, जिससे जो है आप लोग भी ठीक ठीक से PIO को कैसे पता भेजना है, लोक सूचना पदाधिकारी कौन होते हैं, इन सारी बातों का चर्चा करूंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे, जिससे मैं अधिक से अधिक आप लोगों को जानकारी दे सकूं। जय हिंद।